जर तुम्ही आमचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राइब करा व ताजा घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। चाकडू ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार के लिए जो आंदोलन किया गया था, पहली बार 10 दिन के लिए आंदोलनकारी और हम सब कुपोषण पे बैठे थे, उस आंदोलन की कोई कार्रवाई नहीं करी, उसके लिए फिर से हम 5 दिन के लिए बैठे तो उसके बाद जो उसमें जो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था उन लोगों पे गुनाह दाखिल किया गया और गुनाह दाखिल करने के बाद कार्रवाई की गई। कितनी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला होता? इसके अंदर 68,69,994 रुपए का भ्रष्टाचार हुआ और ये जो भ्रष्टाचार विविध योजनाओं के अंतर्गत किया गया था। कौन कौन आरोपी होते? इसके अंदर आरोपी है कुछ सरपंच, ग्राम सेवक, सरपंच का पति, सरपंच के बच्चे और दूसरे लोग इसमें आरोपी है। आरोपियों के हम आपको नाम बताते हैं और उन्होंने कितने रुपयों का अपहार किया वो नाम के साथ में आपको बताना चाहती हूँ। पहला आरोपी है उसमें सुखराम फतेह सिंह मुखड़े, ये है सरपंच महिला का पति है और उसने 3,16,000 रुपये का अपहार किया है। पिंटिया सुखराम मुखड़े, ये सरपंच का बेटा है और उसने 47,300 रुपये का अपहार किया है। रमेश सुखराम मुखड़े, ये भी उसका बेटा है, 67,000 का इसने अपहार किया है। ठुमाबाई सुखराम मुखड़े जो स्वयं सरपंच है, वो महिला ने 3,55,027 रुपये का अपहार किया है। प्रवीण युवराज सिसाट, ये अंतुरली के रहने वाले व्यक्ति है और इन्होंने 11,19,900 रुपये का अपहार किया है। दिलीप राजपूत 3,80,800 रुपये का नुकसान अपहार किया है। विठ्ठल दगा मोरे 80,500 का, वेणु मालसे 95,000 का और राजेंद्र मूलचंद उदा सिसाट, इन्होंने 3,74,000 का किया है। राजेंद्र सीताराम, इन्होंने 15,000 का किया है। बद्री स्टील वाले ने 57,550 रुपए का किया। इसके अंतर्गत जो ठुमाबाई सुखराम पावरा है या महिला सरपंच, इन पर गुनाह दाखिल किया गया था, उसके अंतर्गत इनको पुलिस ने अरेस्ट किया और आज अभी वो जमानत पे छुट्टी हुई है। और इसके अंदर अन्य दो आरोपी जो है, इसके अंदर सुखराम फतेह सिंह मुखड़े जो सरपंच का पति है और इसके प्रवीण युवराज सिसाट, इसको पुलिस ने समय समय पे जानकारी इंक्वायरी लेने के लिए इन्होंने पुलिस स्टेशन में इनको बुलाया गया है और आज भी सरपंच के पति सुखराम फतेह सिंह मुखड़े और प्रवीण युवराज सिसाट जिन्होंने 11,19,900 रुपए का अपहार किया है और सुखराम फतेह सिंह मुखड़े जिन्होंने 3,16,000 का अपहार किया है, उसके लिए धुलिया से टीम जो आई है और वो इंक्वायरी उनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद पता चलेगा कि क्या करती है। ही अपहरित रक्कम होती, त्याच्यामुळे सदरच्या गुन्हा शिरपूर पोलीस स्टेशनने आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला होता आणि आतापर्यंत यांच्या म्हणण्यानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेने 2 ते 3 आरोपींना पकडून त्यांच्या तपासाला वेग आलेला आहे। त्याच्यामुळे आंदोलनकर्त्यांना देखील समाधान आहे। पोलिसांनी यापुढचं काम लवकरात लवकर करून सगळ्या आरोपींना शिक्षा व्हावी, या पद्धतीने कारवाई करावी अशी विनंती आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांना केली।